ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में जानेंगे साल 2024 में पुत्रदा एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का सही समय, और इसके साथ ही जानेंगे पुत्र प्राप्ति के 3 महा उपाय, और इसके साथ ही सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पौष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही हजारों यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। पौष पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त। पौष मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जनवरी 2024 को शाम 6:26 पर शुरू होगी। एकादशी तिथि की समाप्ति 21 जनवरी 2024 को रात 7:26 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पारण 22 जनवरी 2024 को सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक किया जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी ब्रह्म योग। पौष मास पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म योग बन रहा है। यह योग सुबह 7:26 से शाम 7:26 तक है। इस मुहूर्त में दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। पौष पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत से पूर्व दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें, फिर गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करें माता लक्ष्मी के साथ। इसके बाद संध्या काल में दीप दान कर फलहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। संतान की कामना के लिए क्या करें? एकादशी तिथि को पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करें, गरीबों को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दें और उन्हें भोजन कराएं। अब श्रवण करेंगे पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? कृपया यह सब विधि विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैभ्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पीन लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी कोई संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा।
बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा? जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है, कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें, भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।